हेलो, जी, आपकी सलाम बात। अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, फोन कट गया था आपका। जी, फोन कटने दिया था एक्चुअली। जब हमारी बात हो रही थी, तो क्या हो रहा था कि आपको शायद किसी का कॉल आया, रिंग बजा, बाद में आप जो हमसे बात किए 2 मिनट, वो बात रिपीट हो रहा था। यानी कि अच्छा जो आप अच्छा हमसे 2 मिनट बात किए थे ना, वो बात रिपीट हो रहा था। मैं हला हुला कर रहा था, बट वो आपकी बात किसी हाँ, से तो रिपीट नेटवर्क हो की रहा हो था। सकता है दिक्कत हो, आवाज़ इको हो रही होगी। तो चलिए भाई, ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हमारी बात बात करते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपका स्टार्ट होता है जी, अब। मेरा टाइम स्टार्ट होता है आप तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे नजदीक जो है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। कुरान अजम की तफसीर है, हदीस नंबर है सही मुस्लिम हदीस नंबर 436, जिसमें इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान अजम की आयत, और आयत से मुराद लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की आंखों से अल्लाह को 2 मर्तबा देखे। और क्योंकि तफसीर इब्ने अब्बास में जब आइएगा तो तफसीर इब्ने अब्बास में है कि रसूल अल्लाह के कल्ब मुबारक ने जो अपने कल्ब से अपने परवरदिगार को देखा, जिसमें इनके कल्ब ने कोई गलती नहीं की, और कहा गया है कि आपने अपने परवरदिगार को अपने दिल के साथ देखा, और ये भी कौर रिवायत किया गया है आंखों से अपने परवरदिगार को देखा। ये जवाब कसम है चुनांचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को इस चीज के बारे में बताया तो इन्होंने तकदीर की, तब ये आयत नाजिल हुई। तो क्या ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखे हुए चीज को दिखाते हैं, या ये कि आपकी देखी देखी भाली चीज में झगड़ा करते हैं? और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिब्रील अमीन को इनकी असली सूरत में एक और दफा भी देखा, और कहा गया है कि अपने परवरदिगार को अपने दिल या अपनी आंखों से देखा है हिजरतुल मुंतहा के पास। जी भाई, ठीक बोलिया? है, और हाँ हो गया, नहीं, अरे और बिल्कुल बोलना है बिल्कुल और बोल आपने लीजिए, सही कोई फोन किया, दिक्कत मतलब नहीं है, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। ठीक है जी। तो ये हदीस जो है बुखारी शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7517, ठीक जी। है, उसमें भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का वाकया बयान करते हैं, और मिराज का वाकया बयान करने के बाद फरमाते हैं सातवें आसमान पर जो छठे आसमान पे जो है मूसा अलैहि सलाम होते हैं, और क्या है, सातवें हदीस सातवें नंबर क्या है बुखारी आसमान का? पे मूसा अलैहि 7517। सेवन फाइव ठीक, हाँ वन बोलते जाइए। जी सातवें आसमान पर मूसा अलैहि सलाम होते हैं, और उनसे भी ऊपर गए तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं था कि मुझसे भी ज्यादा किसी को बढ़ाया जाएगा। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान से भी ऊपर गए तो वहां हिजरतुल मुंतहा मिला, जिसकी जड़ छठे आसमान पर है, समझे? ठीक, और वहां से भी आगे गए, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उसके सिवा किसी को नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस 7517 में मौजूद है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने करीब हुए कि एक हाथ का फासला गुजरा दिया। ठीक है, ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 3201, किताब नंबर 747 है, ये इंटरनेशनल नंबर नहीं है, बल्कि किताब 47 में उठाइएगा तो तफसीर हदीस तिर्मिजी की 3201। इमाम तिर्मिजी ने हदीस को भी हसन कहा है। हजरत ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम बनी हाशिम कहते हैं, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। और जिसम अहमद ने भी है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी मुसनद में नकल किया, रिवायत किया है, काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्राइम का रब्बी अज्जा वजल, यानी कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने रब को मैंने अपने रब को देखा। मुसल नंबर इब्ने हंबल सुन्नत नंबर 1 पेज नंबर 285, और ये हदीस कई मुहद्दिसीन ने नकल किया है, तो बहुत सारे दलील है मुहद्दिसीन का, तो खैर मैं उतना लंबा दलील नहीं देता हूँ, ये हमारी दलील होगी इतने की। आप बोलिए,
जी भाई, पूरी बात आपकी हो गई। और कुछ बोलना है? और कुछ बोल लीजिए। नहीं नहीं आप बोलिए, हम तो आपने आपने हमने आपको जल्दी रख दिया। अच्छा अच्छा, बोलिए जो आप जाना चाहते हैं। जी भाई देखिए भाई, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, ठीक है। और हमारा जो ये अकीदा है वो ये है कि अल्लाह सुबहानो ताला को, ठीक है, इस मेरे भाई दुनिया में कोई भी मतलब अपनी आंखों से देख नहीं सकता, ना ही अल्लाह के नबी, ना ही कोई अम्बिया अलैहिस्सलाम, ना ही कोई सहाबा, ना ही कोई ताबई, ना ही कोई इमाम। अल्लाह सुबहानो ताला को इस दुनिया में कोई आंख अल्लाह को देख नहीं सकती। अब आते हैं मेरे भाई जो ये सूरत है, ठीक है, सूरे कौन से भी आपने बताई थी, नज्म में ना? नजम, हाँ, सूरे नजम की जो आयत नंबर 8 से लेके 10 तक है, इसकी सबसे पहले जो मेरे भाई इस दुनिया में तफसीर की थी वो अल्लाह के नबी की प्यारी जो मतलब भाई वो अहलिया थी, बीवी थी, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये हदीस आती है मुस्लिम शरीफ में और हदीस का नंबर है 439, और यही मेरे भाई हदीस आती है बुखारी शरीफ में और इसका नंबर है 4855, ठीक है। एक मेरे भाई वो ताबई होते हैं मसरूक, तो वो अम्मी आयशा से फरमाते हैं इसी आयत के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं? तो अम्मी आयशा फरमाती है सुभान अल्लाह, और तुमने ये क्या पूछ लिया जो मेरे जो मतलब जो रोंगटे हैं वो बिल्कुल एकदम खड़े हो गए हैं, ये तुमने क्या बात बोल दी? तो वो कहते हैं कि अम्मा जान, ये क्या कुरान में ये आयते नहीं है कि अल्लाह ने मतलब अल्लाह को अल्लाह के नबी ने देखा? तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इन आयतों के बारे में उम्मत में सबसे पहले अल्लाह के नबी से पूछा था और अल्लाह के नबी ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि मैंने अल्लाह को नहीं देखा, बल्कि जो भाई वो फरिश्ते थे, ठीक है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनको दो बार उनकी हकीकी सूरत में देखा। तो ये तफसीर ये अम्मी आयशा ने उम्मत में सबसे पहले की थी, जो तमाम सहाबा के उस्ताद हैं, इब्ने अब्बास उनके भी मेरे भाई जो उस्ताद हैं वो अम्मी आयशा हैं, और ये सवाल सबसे पहले उम्मत में अम्मी आयशा ने अपने शौहर अल्लाह के नबी से पूछा था और अल्लाह के नबी ने उनको बता दिया था, ठीक। और फिर वो फरमाती है कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह सुबहान तआला को अपनी आंखों से देखा वो झूठा है और उसने अल्लाह पर झूठ बांधा। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 109, कि जो जानते बूझते अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांधे वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो जो अल्लाह पे झूठ बांधे वो तो पक्का जहन्नम में जाएगा। तो जिसका यह अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा वो झूठा है, ये उम्मत की माँ ने बता दिया, जो तमाम सहाबा की उस्ताद हैं, और इन आयतों की जो तफसीर है ये खुद अम्मी आयशा ने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से पूछा था। अब आते हैं कि अगर ये अकीदा कोई मान लीजिए उम्मत में रखता है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा, तो गोया ये इतना बातिल अकीदा है और इतना खतरनाक अकीदा है कि अल्लाह के नबी की सारी नेकियां वो जाया हो जाएंगी। अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा तो अल्लाह के नबी की सारी नेकियां सब जाया हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि मेरे भाई उम्मती कहेंगे अल्लाह के नबी तो ईमान में इसलिए इतने ताजा थे कि उन्होंने अल्लाह को देख लिया था। अब भाई अल्लाह को देख लिया था तो जाहिर सी बात है नेक काम तो करेंगे, बचे तो ना बचे। खासियत किस में है? खासियत इसमें है कि बिना देखे अल्लाह पे ईमान लाना और अल्लाह का जो खौफ है, तकवा है, उसको इख्तियार करना। तो अल्लाह के नबी की जो नेकियां हैं वो तब तक ही बाकी रहेंगी जब तक कोई ये अकीदा ना रखे कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, क्योंकि बिना देखे अल्लाह के नबी ने अल्लाह पे ईमान लाए और पूरे दीन पे अमल किया, ये ईमान का एक आला तरीन पैमाना है। लेकिन अगर देख के ईमान लाए तो क्या लाए भाई? अभी आप हैं, आप अल्लाह को देख लेंगे तो जाहिर सी बात है एक भी टाइम की नमाज आप नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं हूँ, मैंने अल्लाह को देख लिया, तो भाई मैं जाहिर सी बात हूँ, मैं एक भी टाइम की नमाज नहीं छोड़ूंगा, ना मैं झूठ बोलूंगा ना कुछ, क्योंकि मैंने अल्लाह को देख लिया है ना, आला तरीन मेरा ईमान हो गया है। और ये और अम्मी आयशा ने ये जो अकीदा था इसको ऐसे ही नहीं खाली जबान से बता दिया, अम्मी आयशा ने अपने हर एक जुमले पे कुरान की आयतें पेश की,
वो जो ताबई थे उनको बताया कि अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह अल अनाम की आयत नंबर 103 में कि कोई आँख अल्लाह का जो वो अहाता है वो नहीं कर सकती, बल्कि अल्लाह सुबहान व तआला सबकी आँखों का अहाता करता है। तो गोया कोई आँख इस दुनिया में अल्लाह को देख ही नहीं सकती है। तो जो हमारे बरेलवी भाइयों का और जो बात मतलब जो वो सूफी लोग हैं वो लोग कहानी किससे बताते रहते हैं कि वो अल्लाह के अर्श पे पहुंचे और दोनों की मतलब भाई वो आमना सामना हो गया। देखिए मुलाकात हुई मेराज की रात पे अल्लाह के नबी की अल्लाह सुबहान तआला से, ठीक है मुलाकात हुई लेकिन देखा नहीं आंखों से क्योंकि बीच में नूर का पर्दा था, हिजाब था। लेकिन ये कहना कि अल्लाह के नबी ने खुद अपनी आंखों से डायरेक्ट अल्लाह को देखा, इस पे कोई एक साफ आपके पास कोई आयत हो या साफ कोई हदीस हो आप उसको पेश कर दीजिए, इंशाल्लाह सारा मसले खत्म हो जाता है। बस हमको इतना ही बोलना था, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपने हदीस नंबर कितना बताया था माँ आयशा से जो आपने नकल किया? भाई ये देखिए बुखारी शरीफ में इसके जो तुर्क आते हैं वो टोटल आते हैं 6 तुर्क, ठीक है। मुस्लिम शरीफ में भी इसके जो तुर्क आते हैं वो 4 तुर्क आते हैं। इसका हदीस का नंबर है 339, ठीक है 439 यानी कि 439। और सबके स्कैन हमने आपको पर्सनल में आपको भेज भी दिए हैं और उसमें जो ताबई होते हैं वो देखिए जो बताए जी जी हम आपको बता रहे। देखिए जो जो मतलब जो बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 4855। उसमें अम्मी आयशा जो ताबई होते हैं उनको उनको जो बातें होती हैं वो बताती हैं कि ऐसी बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, वो बातें होती हैं 3। पहली बात बताती हैं कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा वो झूठा है। दूसरी बात बताती हैं कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे वो झूठा है। और तीसरी बात बताती थी कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी ने दीन में कोई बात हमसे छुपा ली तो वो झूठा है। और तीनों बातों पे अम्मी आयशा ने जो कुरान की आयतें थी उसको पेश किया। ये तो आता है बुखारी में। लेकिन जो मतलब जो बात का पूरा जो पूरी हदीस है तफसील के साथ वो आती है मुस्लिम शरीफ में और हदीस का नंबर है 439 कि जो मतलब जो ताबई होते हैं मसरूक वो अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अनु का जो रूम होता है हुजरा होता है उसके बाहर भाई वो तकिया पे बैठे होते हैं, ठीक है। और वहां से अम्मी आयशा से पूछते हैं कि ऐ अम्मा जान ये जो सूर्य जो ये नज्म की जो आयत है उसमें क्या ये क्या इससे हमको ये नहीं पता चलता कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा? तो अम्मी आयशा कहती सुभान अल्लाह मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा की था। तो अम्मी आयशा उनको पूरा समझाती हैं और बताती हैं मैंने तुमसे पहले पूरी उम्मत में सबसे पहले अल्लाह के नबी से पूछा था। तो यहाँ पर तो हदीस मौजूद नहीं है जो आप बता रहे हैं, नंबर मैं निकाल चुका हूँ, नंबर बुखारी का निकाल चुका हूँ 48। नहीं नहीं बुखारी में तो 4855 है, 4855 वही डबल फाइव उसी से बोलते हैं 55 से। हाँ तो 4855 जो हदीस है मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पर मैंने मतन पढ़ा जिसमें माँ ऐसा ने कहीं पर भी नहीं फरमाए कि मैंने नबी सल्लम से सुना। नहीं नहीं ये तो मैंने अभी आपको बता दिया ना, जो बुखारी में आया है उसमें 3 बातें आई हुई हैं, लेकिन ये बात का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो आया है मुस्लिम शरीफ में। आपने जो अभी हदीस बयान की है 4855 और आपने ये भी कहा है कि माँ ऐसा फरमाती है कि मैंने नबी सल्लम से सुना, ये तो मुस्लिम में तुर्क में आया है ना, उसका भी तो हदीस नंबर आपको बता दिया है 439। भाई मैंने सारे ओरिजिनल स्कैन आपको भेज दिए हैं, अरबी में भी है और उर्दू में तर्जुमा है उसका। 439 हाँ 439। आप अभी अपना व्हाट्सएप खोलिए, मैंने सारी हदीसें भेजी हैं पूरी, वो लंबी सी एक मेरे भाई हदीस है तवील हदीस, उसमें स्टेप बाय स्टेप अम्मी आयशा ने अलग अलग टुकड़ों में बताया है। मैंने जो आपने हदीस भेजा है, आपने जो हदीस का हवाला दिया है, मैंने सारी हदीस निकाल दिया जिसमें माँ ऐसा नहीं फरमाती है कि मैंने नबी सल्लम से सुना, बल्कि माँ ऐसा अपनी कॉल नकल करती है। सुना नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने खुद इस उम्मत में सबसे पहले अल्लाह के नबी से पूछा। नहीं है, लफ्ज नहीं है यहाँ पर,
अरे भाई यही है, अभी मैंने आपको स्कैन भेजा है मेरे भाई, यही देख है लो। अरबी भाई, आती है तो मेरे पास अरबी भी पढ़ बुखारी लो। है, हमारे पास बुखारी मुस्लिम किताब निकाल दिया, अरे जो मैंने चलिए तो स्कैन मैं भेजा परसों वो सुना तो देता देखिए हूँ। भाई। स्कैन में आपका नहीं है मेरा भाई, आपका कौन सा स्कैन है? अरे भाई आप यहाँ मैंने अभी बुखारी आपको मुस्लिम पूरी निकाल चुके हदीस जो हैं। तफसील से जो 6 तुर्क आए हुए हैं, पूरी 6 के 6 तुर्क की मेरे भाई हदीस अच्छा नंबर के साथ अच्छा अरबी सुनिए, मतन के साथ आपको अच्छा भेजा है। ठीक है, सुनिए सुनिए, सबसे पहला बात, यहाँ मैं जो आप हवाला दिए हैं, मैं बुखारी निकाला, माँ ऐसा ये फरमाती है, आपने जो बाद में अरे बुखारी में जो ये बात है ही आपने नहीं मतलब ना। भाई, मुस्लिम भी निकाला मैंने, हाँ मुस्लिम की भी हदीस मुस्लिम की मैंने खोलिए। निकाला, जिसमें लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज नहीं है कि नबी सल्लम से मैंने सुना, बल्कि ये माँ ऐसा का कौन है, और माँ ऐसा का कौन के बारे में ये इसमें इख्तलाफ हुई है। ये इख्तलाफ इसलिए हुई है कि अब इतने मैंने आपको हवाला दिया था हदीस का, भाई ये नबी देखिए सल्लम प्यारे ने भाई, अल्लाह को एक बार देखा, फिर से आप अपना आपके पास व्हाट्सएप खोल नहीं के एक आया बार देख लीजिए, ये मैंने मुस्लिम शरीफ की आपको मेरे हदीस पास नंबर भेजी है 431, और उसके बाद दूसरी हदीस भाई, मेरे भेजी है पास चार सौ हदीस मौजूद इकतालीस है, मेरे पास और हदीस तीसरी मौजूद, हदीस मेरे भेजी पास है चार हदीस सौ मौजूद है, मैं उनतालीस खोल, और चौथी हदीस भेजी है 442। तो मैंने चारों हदीस ठीक है के ओरिजिनल सुनिए, स्कैन आपको भेज दिए हैं। ठीक है सुनिए, सबसे पहला बात तो मैं आपको ये बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि नबी सल्लम से सुना, ये ना किसी मौजूद नहीं है, बल्कि जो भाई भी सुना माँ नहीं ऐसा है, मैं फरमाई अपनी अम्मी बुखारी आयशा का, कहती है मैंने खुद अल्लाह के नबी से पूछा तो अल्लाह के नबी ने ये लफ्ज बताया। मौजूद नहीं है, ये लफ्ज मौजूद नहीं है, अरे भाई आप मैं पढ़िए तो ना बता मेरे रहा हूँ, भाई, जो चलिए एक मिनट, भाई जो इंसान चारों के स्कैन सामने हमने भेजे हैं आपकी आप खुद बात, पढ़ दो, जो चारों ये स्कैन कैसा हमने भी भेजे है, हैं हदीस मौजूद है ना अरबी में भी है, भाई, मेरे तर्जुमा पास भी उसमें हदीस, लिखा है, आप खुद पढ़ के भाई देख लो ना। मेरे पास अरबी में भी है, उर्दू में भी है, मेरे पास मौजूद है, तो चलिए ठीक है मैं भाई, इतना वीडियो कहना हम चाहता हूँ बनाएंगे आपको, इंशाल्लाह, उसमें अच्छा सारे स्कैन मेरे भाई लगा देंगे, आप खुद अपने मेरे भाई आंखों से देख लेना। दिल फर्ज मान भी लिया जाए और आपकी भाई ये बात तो अल्लाह के बनने नबी के की एक लिए, शान में तोहीन हो जाएगी ना, अल्लाह के नबी की सारी नेकियां मेरे भाई जाया हो जाएंगी। अगर मेरी बात तो बरेलवियों सुनिए, वाला अकीदा हम रख लें कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देख लिया अपनी आंखों से, तो अल्लाह के नबी की मुझे भी सारी बोलने नेकियां दीजिए गई। भाई, मुझे भी बोलने दीजिए, सुन जी लीजिए, जी दिल जी बोलिए। फर्ज आपकी बात मान लेता हूँ थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है, दिल मेरी बात ना फर्ज मानी, आपकी मैंने तो बात अम्मी मान लेता आयशा का हूँ, मेरे भाई कीदा बता दिया आपको। सुनिए ना भाई, मैं तो आपको बताया ना, इतना टाइम बताया कि माँ ऐसा ने नहीं फरमाया कि नहीं सनत से नकल की है, दिल फर्ज आपकी बात मान भी लिया जाए, तो मैंने इतनी हदीस जो मैं भाई बता रहा हूँ नकल नहीं आपको, किया इसमें है आप यार, बात आप पता सुनिए, नहीं कहाँ मैं देखिए, आप खुद जानबूझ के मेरे भाई हदीस में उंगली कर रहे हो। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ भाई कि मेरे अम्मी पास हदीस आयशा ने मौजूद है, फरमाया अच्छा कि मैंने ठीक इन है बोल आयतों तो रहा के हूँ, बारे में खुद सुनिए अल्लाह भाई के सुनिए नबी से पूछा ना है भाई, बोल तो और रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने सुनिए ना मुझे भाई, बोल ये तो रहा हूँ, बताया है। अरे भाई भाई ठीक है, दिल फर्ज आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक नहीं है, बिल फर्ज क्यों मान रहे हैं भाई, क्योंकि आप, हदीस आ गई तो उसको हकीकी अच्छा मायने में मानिए ठीक ना। है ठीक है ठीक है, आपसे सुनिए, मेरी भी सुनिए, जी जी जब बताइए। मैंने आपको इतनी हदीस पेश किया, इतने हदीस पेश किया जिसमें अल्लाह का रसूल खुद फरमाते हैं, अल्लाह का रसूल फरमाते हैं, अन्नी आरा रायता रब्बी अजल, तो अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे, मैंने रब को देखा, और इससे जब हाँ इसमें इख्तलाफ हुई आंखों का अहले जिक्र नहीं है इख्तलाफ ना, वो तो हम भी है मानते हैं अल्लाह को देखा, ना भाई, इसमें आंखों का आंखों जिक्र का है, भी इस जिक्र है ना, जो हदीस में नकल है, आंखों का जो जिक्र है नकल कि है, अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों आंखों से देखा। भाई हाँ क्यों हदीस में झूठ ये बोल रहे हो प्यारे भाई, दुनिया में तफसीर, कोई एक भी तफसीर ऐसी इब्ने हदीस अब्बास मौजूद नहीं में है जिसमें भाई, आंखों का जिक्र हो। तफसीर इब्ने अब्बास में मौजूद है ये नकल, भाई ये दो तफसीर कौन इब्ने है, अब्बास तो कोई ये इब्ने दो अब्बास की तफसीर थोड़ी ना है, वो तो जाली फर्ज, मेरे भाई तफसीर है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, दिल फर्ज आपकी मान लिया जाए, कि आप ये कहना चाहते हैं कि दिल से देखे है ना, क्या दिल से देखे आप मानते हैं कि दिल से देखे, नबी सल्लम ने अल्लाह को दिल से देखे है ना, दिल से हाँ आंखों से ख्वाब में देखे, देखा ना वो हम ये हदीस मानते मेरे हैं, भाई, दूसरी आती है। ठीक है ठीक है, आगे सुनिए, उसी सूरह नजम की तकदीर जो हो रही है, देखने वाली हो रही है या सूरे फिर नजम की अल्लाह आयत को की देखने तफसीर वाली में हो रही हदीस है ही भाई, नहीं है याली की मेरे भाई दिल से देखा, वो तो मुसनद अहमद की आपको हदीस कहना है चाहते कि हैं अल्लाह के नबी एक बार सुबह की। अरे भाई सही सुन तो मुस्लिम लीजिए प्यारे अकेले भाई, बात पूरा सुनिए, मामला तो आप समझ लीजिए। अकेला नहीं सुनेगा, अल्लाह अच्छा के नबी ने सुनिए सुबह सुनिए की सुनिए, नमाज मेरे भाई जब आए पढ़ाने तो उनको थोड़ा मेरे भाई देर हो गया, तो अल्लाह के नबी सहाबा से बताते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह सुबहानो ताला को देखा, वो बहुत खूबसूरत है, तो वो ख्वाब में देखा ना, उसका कौन इंकार कर रहा है। लेकिन बात यहाँ हो रही है आंखों से देखा कि नहीं ये सुनिए भाई, हमारा आपका भाई, इख्तिलाफ कहे मेरे पे, पास आंखों पे है ना सुनिए भाई, दिल से आप भी मान रहे हो, भाई, दिल से हम सबसे भी पहले मान रहे मेरी हैं। भी बात सुन लीजिए,
यही बात लीजिए आप हमें आंखों की मेरे भाई दलील दीजिए जिंदगी प्यारे भाई, ठीक है, ताकि जो टाइम है मेरे भाई आपका भी बच जाए मेरा भी बच जाए। भाई आप भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, सुनना नहीं चाहते भाई, मेरे मैं कसम से बता रहा हूँ मैं 1 घंटा बात करूंगा, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है जो चीज हम दोनों मान रहे हैं उस पर बात ना कीजिए, जिस पर आपका हमारा इख्तलाफ है उस पर बात कीजिए। आप जो हदीस बता रहे हैं ना वो तिर्मिजी शरीफ की हदीस है 3234। अरे भाई मैं मुसनद अहमद की हदीस बता रहा हूँ तो आप जबरदस्ती बता दे रहे हैं तिर्मिजी की। भाई वही हदीस मुसनद अहमद में भी वही है कि हाँ तो ठीक है, उसमें क्या, वो तो अलग अलग तुर्क आते रहते हैं। हाँ तो सुनिए, तो मैं जो हदीस दे रहा हूँ तफसीर का जो अपना सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 436। आपने जो अभी कहा ना कि सूरह नजम की तफसीर में ऐसा नहीं है, तो सूरह नजम की तफसीर है, उसमें सूरह नजम की तफसीर है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं उस आयत को बारे में फरमाते हैं कि सूरह नजम की आयत भी इसमें लिखा हुआ है। वो तो मैं मान ही रहा हूँ मेरे भाई, इब्ने अब्बास ने ये कहा कि देखा, ये नहीं कहा कि मेरे भाई आंखों से देखा, जो लफ्ज उसमें नहीं है तो वो अकीदा आप कैसे बना सकते हो। नहीं मेरे भाई सुनिए, पहले मैं क्या कह रहा हूँ पहले बात सुनिए। और तमाम सहाबा की जो उस्ताद हैं उम्मत की माँ अम्मे आयशा रजी अल्लाह तआला ना, उन्होंने ये जो बातें मरफूअन बयान की है। भाई बोलने तो दीजिए, इब्ने अब्बास का जो ये मेरे भाई जो बात है ये कौन सी है, ये आपको मालूम है, ये मरफू नहीं है मौकूफ है। लेकिन अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अनु की जो बात है वो मेरे भाई मरफू है, वो अल्लाह के नबी तक जा रही है। जी बोलिए जी। अब आप कह रहे थे कि सूरह नजम की जो आयत है उससे मुराद जो है क्या है, वो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह अल्लाह के नबी ने दो मर्तबा उनकी हकीकी सूरत में देखा। हाँ अब सूरह नजम की आयत का जो मैं हवाला दे रहा हूँ सही मुस्लिम 436 सूरह नजम आयत लिखा हुआ है उसमें, सूरह नजम की आयत। हाँ वो पूरी तफसीर में हदीस से आई है एक के बाद एक। हाँ तो फिर भाई 436 में इब्ने अब्बास का है तो 439 में अम्मी आयशा के भी लेके आए मेरे भाई इमाम मुस्लिम। भाई इब्ने अब्बास के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह इसको कुरान का इल्म दे, कुरान का इल्म देना, लेकिन जो ये बात है ये मेरे भाई मरफू बयान नहीं है ना। क्यों मरफू बयान नहीं है, अभी मुसलमान। अच्छा ये मरफू हदीस है भाई, यार आपको ये भी नहीं पता मरफू क्या होता है मौकूफ क्या होता है। मरफू हदीस मेरे भाई उसको कहते हैं कि सहाबी या सहाबिया वो बात बयान करे जो अल्लाह के नबी से मेरे भाई उसका ताल्लुक हो। जो अम्मी आयशा ने फरमाया कि मैंने उम्मत में सबसे पहले अल्लाह के नबी से पूछा, तो ये बात हो गई मरफू। आप झूठ बोल रहे हो, हदीस सही नहीं है मौजूद कि नबी सल्लम से सुने हैं आयशा। भाई अभी मैं स्कैन लगाऊंगा ना वीडियो में, अभी मैं सारे स्कैन लगाऊंगा। सही मुस्लिम की भी हदीस में है कि नबी सल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछे कि आपने रब को देखा, तो कहते हैं अन्नी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि राय का रब भी अजब जल मैंने रब को देखा। क्या देखा? और जो आप हदीस रब को देखा अल्लाह को देखा, और आप जो हदीस बयान कर रहे हैं साबिन से बयान कर रहे हैं, हम सहाबा से। अरे भाई अजीब आदमी मेरे भाई, रब को देखने का कौन इनकार कर रहा है, वो तो हमारा भी मानना है कि दिल की आंखों से ठीक है हालत ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ, बात हो रही है आंखों से देखने की। भाई भाई नहीं पहले बात समझिए क्या बात हो रही है। नहीं आप मेरे भाई देखिए, आपका अकीदा दूसरा है और दलाइल आप दूसरे पेश कर रहे हैं। आपका अकीदा क्या है कि अपने आंखों से देखा, तो आप इस पे दलील पेश कीजिए ना। हमारा अकीदा है दिल की आंखों से भी देखे, कल की आंखों से। भाई दिल की आंखों से देखा ये हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, चलो मैटर खत्म। अब इख्तलाफ हो रहा है आंखों से देखने पे, अब आंखों वाली हदीस पढ़िए। आपको साहब हमारी बात क्या चल रही है पहले ये समझिए, बात क्या चल रही है। भाई हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं अगर आप उसको समझ जाते ना तो अब तक हम लोग का टॉपिक मेरे भाई पूरा फाइनल हो गया होता। देखिए दिल से देखा ये मेरे भाई आप भी मान रहे हैं हम भी मान रहे हैं, हालत ख्वाब में देखा आप भी मान रहे हैं हम भी मान रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ काहे को हो रहा है। आप कह रहे हो अपनी आंखों से अल्लाह को देखा और हम कह रहे हैं कि आंखों से मेरे भैया वो नहीं देखा। भाई साहब मैं बताया हूँ कि दो कॉल है, दोनों कॉल हम मानते हैं। दोनों कॉल कैसे मान लेंगे, आंख वाला तो कॉल ही मौजूद नहीं है ना दुनिया में।
आंख वाला तो कोई कॉल ही नहीं है, तो दो कॉल आप मानिए चाहे 200 कॉल मानिए, जब आंख वाला कोई कॉल ही मौजूद नहीं है तो आप कैसे मान लेंगे? मैंने हवाला दिया आपको तफसीर इब्ने अब्बास, मेरे भाई इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर ही नहीं है। पहले पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए आप, पहले तो ये कंफर्म कर, पहले आप ये मेरे में कंफर्म कर लीजिए कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मत की माँ, आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आपने बुखारी का गलत हवाला दिया, आपने माँ आयशा पर झूठ भाई 4855 उसमें तीन अकीदे अम्मी आयशा ने मेरे भाई ऐसे बयान किए हैं कि जो मुसलमान अगर वैसा अकीदा रखता है तो वो झूठा है, उसने अल्लाह पे झूठ बांधा। 4855 हाँ 4855 पे आपने ये झूठ बांधा कि आपने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी कि माँ आयशा ने नबी सल्लम से सुना, जबकि उसने भाई ये आपका सबसे बड़ा झूठ है, झूठा बोंद आपने। मैंने मैं ऑडियो आपको फिर से भेज दूंगा, फिर से सुन लीजिएगा रिपीट करके। मैंने कहा था कि मेरे भाई जो इसकी तफसीर में जो हदीसें आती है ठीक है, बुखारी में आती है, मुस्लिम में आती है, और मैंने दोनों का हदीस नंबर बता के दोनों हदीसें एक साथ बताई है। अब आप समझ ना पाओ तो उसमें मेरी गलती है क्या? तो ये सुना वाला अल्फाज तो आप कह रहे हो ना? आपने बोला, आपने वॉइस में बोला, मैंने कहा कि अम्मी आयशा ने खुद खुद अल्लाह के नबी से पूछा। हाँ अल्लाह के रसूल से पूछा, कहाँ पर ये नबी मौजूद है बताइए, उसी हदीस में यहाँ पर बताइए। नहीं है, हाँ सही मुस्लिम में नहीं है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह का रसूल सुने, बल्कि माँ आयशा का कौन है ये, अम्मी आयशा का कौन है ये? हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, तो अम्मी आयशा का कॉल है तो ये मेरे भाई मरफू हो गया ना, जब अम्मी आयशा ने कह दिया कि मैंने उम्मत में सबसे पहले अल्लाह के रसूल से इसके ताल्लुक से सवाल किया और अल्लाह के नबी ने मुझे ये बताया, तो ये मरफू हो गया ना। अरे सही मुस्लिम की हदीस है मेरे भाई, भाई अच्छा ठीक है, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा सही मुस्लिम, और मेरे भाई हदीस का नंबर है 442, दूसरी हदीस आती है 439, तीसरी हदीस आती है 441, और चौथी हदीस आती है 431। ये चारों हदीस मेरे भाई आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, चारों हदीस आप अपना खुद पढ़ लीजिए, अपने बरेलवी आलिम का तर्जुमा पढ़ लीजिए। भाई पहला नंबर बताइए आप, चलिए 441, 441 निकाला, 441 हो गई, 442 हो गई, फिर बोलिए 441 निकाला भाई। चलिए चलिए एक एक हदीस आप पढ़ते जाइए, 441 पढ़िए, इसमें क्या है, एक मिनट रुकिए रुकिए, 441 नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं ठीक है। आप पढ़िए 439 पढ़िए सबसे पहले भाई, 400 आप 431 पढ़िए सबसे पहले, 431 हाँ सही मुस्लिम की हदीस नंबर 431 पढ़िए, उर्दू का मतन खाली पढ़ दीजिए बस। कौन सा 431? हाँ सही मुस्लिम और हदीस का नंबर 431। चार सौ इकतीस निकाला मैंने, हाँ अब क्या लिखा है उसमें, निकाला इसमें है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा करवाया गया तो आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, वह आसमान पर है जबकि इसकी साथी साथी में आसमान के ऊपर है, वह सब चीजें सीधे जिन्हें में जमीन से ऊपर ले जाया जाता है इस तक पहुँची है और वहाँ से इन्हें ले लिया जाता है और वह चीजें नहीं जिन्हें ऊपर से नीचे लाया जाता है वहाँ पहुँचती है और वहीं से इन्हें वसूल कर लिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया जब ढाप लिया सिदरतुल मेरी की तरफ जो जिस चीज ने ढाका, अब्दुल्ला रजल्ला ताला ने कहा सोने के पतंगों ने, और कहा फिर रसूलुल्लाह सल्लम को तीन चीजें अता की गई, पांच नमाजें अता की गई, सूरह बकरा की आखिरी आयत अता की गई, और आप उम्मत के ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक नहीं किया जहन्नम से पहुंचा, जहन्नम में पहुंचाने वाले बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए गए, तो इसमें कहां भी था। चलिए अब माशाल्लाह अब आपने जो हदीस पढ़ी अब इंशाल्लाह इसकी बात करते हैं ठीक। देखिए ये जो 400 में कर रहे क्या, हमने हदीस मांगा, अरे अल्लाह के बंदे अभी तो मैंने चार हदीस आपको भेजी है ना, उसमें से एक ही तो पढ़ी है आपने, अभी तीन बाकी है, अभी आप खुद अपना सीधा बात साबित करोगे, चुप तो रहो उम्मीद भाई। ये हदीस से साबित होता है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बयान कर दिया कि अल्लाह के नबी
सातों आसमान के ऊपर अल्लाह का जो अर्श है वहां पे वो नहीं पहुंच पाए, तो जब अल्लाह के अर्श पे पहुंच ही नहीं पाए तो अल्लाह को देख कहां से लिया? आसमान से ऊपर नहीं गया। अरे वो तो मेरे भाई मेरे मुंह से निकल गया था ना, उसके लिए तो मैंने पहले आपसे बोल दिया ना, वो कंफ्यूजन हो गई थी भाई। इंसान है आदम की हर औलाद खताकार है। आपको कंफ्यूजन है भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम की हर औलाद खताकार है। मैंने जो आपसे पहले बोल दिया था कि छठे आसमान पे, वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। वो तो मैंने अभी आपसे पिछली पिछली कॉल में बोला है ना, आपको पिछली कॉल में कंफ्यूजन हो गया था। कौन सी